ओशन ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। पुलिस विभाग और नारकोटिक विभाग की इतनी सख्ती के बावजूद भी नशे का व्यापार करने वाले तस्कर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी कड़ी में कल रात को भी जिला चंबा के तीसा थाना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र जसोरगढ़ में स्टेट नारकोटिक्स क्राइम कंट्रोल की टीम ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 2 किलो 52 ग्राम चरस बरामद की गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए नारकोटिक्स क्राइम कंट्रोल की टीम के एएसआई करतार सिंह ने बताया कि उनके नेतृत्व में उनकी टीम जसोरगढ़ क्षेत्र में पेट्रोलिंग पर थी, जब रात को करीब 3 बजे 0 पॉइंट जसोरगढ़ में स्थित रेन शेल्टर में उन्होंने दो व्यक्तियों को संदिग्ध परिस्थितियों में बैठे देखा तो उनसे पूछताछ की गई और उनके बैग की तलाशी ली गई, जिससे उनके बैग में से 2 किलो 52 ग्राम चरस बरामद की गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और NDPC एक्ट की धारा 20 और 29 के तहत इन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। दोनों आरोपियों की पहचान नारायण सिंह निवासी ग्राम कंडोक तहसील चुराह जिला चंबा और करम सिंह निवासी ग्राम डिडवास तहसील चुराह जिला चंबा के रूप में हुई है। नारकोटिक्स विभाग की इस टीम में ASI करतार सिंह के साथ पुलिस स्टेशन नरकरोड के इंचार्ज ASI पुष्पेंद्र सिंह और नारकोटिक्स विभाग के हेड कांस्टेबल विक्रांत कालिया मोहम्मद असलम मनोहर लाल व संजय कुमार शामिल थे। मैं जो सौरगढ़ 0 पॉइंट है थाना तीसा के अंतर्गत, वहाँ पर हमारी SNCC फील्ड यूनिट ने नाका लगा के रखा था और उसमें दो व्यक्तियों को जिनके नाम नारायण सिंह और करम सिंह है, तो 2 किलो 52 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है और उनको आज कोर्ट में पेश करेंगे हम। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए चंबा से तरुणदीप की रिपोर्ट। Bye.